उत्तराखंड आने से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी। उत्तराखंड आने वालों के लिए पंजीकरण और 72 घंटे पहले तक के आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। 50% क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहन चलेंगे। माल वाहनों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। प्रदेश में आज से 18 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों को लगेगा टीका। सीएम करेंगे अभियान का शुभारंभ। कोविशील्ड वैक्सीन की 1,00,000 डोज उत्तराखंड में उपलब्ध है। इस आयु वर्ग के 50,00,000 लोगों को वैक्सीन निशुल्क लगेगी। इसके लिए सरकार 400 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी, जिसमें 100 करोड़ की राशि स्वास्थ्य विभाग को जारी हो चुकी है। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि, खेतों में बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के कुमाऊं में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से फलों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पिथौरागढ़ में रविवार को मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। लगभग आधे घंटे तक गिरे ओलों से खेतों में सफेद बर्फ की चादर बिछ गई थी। रुद्रपुर ब्लड बैंक में सिर्फ 15 यूनिट रक्त शेष। कोरोना महामारी के चलते एक माह रक्तदान शिविर आयोजित न होने के कारण रुद्रपुर ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है। इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरतमंदों को सिर्फ रिप्लेसमेंट पर ही रक्त मिल रहा है, लेकिन सभी ग्रुप का ब्लड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वैक्सीन की दूसरी डोज का इंतजार। अस्पतालों में टीकाकरण अभियान पर विराम लग गया है। यहां वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाले अब दूसरी डोज के इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शासन से वैक्सीन की आपूर्ति न होने के कारण निजी अस्पतालों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर किया लोगों को जागरूक। चमोली जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में रविवार को पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च कर लोगों को कोरोना से बचने के नियमों का पालन करने, मास्क पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन करने के संबंध में जागरूक किया है। ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू करने के निर्देश। जिले के कोविड प्रभारी मंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर बेस अस्पताल में अव्यवस्थाओं संबंधित खबरों का संज्ञान लेते हुए पिछले 3 दिनों से दूसरी बार बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं की जानकारी दी, साथ ही जल्द ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के निर्देश भी दिए। देहरादून प्रशासन ने फल और सब्जियों के रेट लिस्ट की जारी। दुकानदारों को नई सूची दुकानों में चस्पा करनी होगी। इसके साथ ही फलों के दाम भी तय कर दिए गए हैं। कर्फ्यू लगने के बाद पहली बार प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से यह सूची जारी की है। एसडीएम योगेश मेहरा के अनुसार जिला प्रशासन के निर्देशन पर फल सब्जी की दरें प्रचलित मंडी दरों पर तय की गई है। इनमें से अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हितडोंग, मालखी और भटवाड़ी को बनाया कंटेनमेंट जोन। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने जिला मुख्यालयों से लगे हितडोंग सहित अगस्त मुनि विकास खंड के ग्राम मालखी व भटवाड़ी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यह क्रमशः 35, 27 और 33 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हल्द्वानी, कोरोना में काम को तरसे नेपाली मजदूर, दो वक्त का खाना जुटाने भी हुआ मुश्किल। कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से कोई काम नहीं है इनके पास। नेपाली होने के कारण उन्हें भारत सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। कई नेपाली मजदूर तो एक वक्त का ही खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। इस समय भवन निर्माण के कार्यों में भी कमी आने से निर्माण सामग्री ढोने का काम भी मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। परवीन अर्शी, राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के लिए।